और टाइमिंग क्या दे रहा है, ठीक है, मैं इसके बारे में अभी नया अपडेट लेके आया हूँ। ब्रो, रोटी में क्या क्या लोग भाई, देखो ये भी मेरे सब्सक्राइबर ही है। बंदे दौड़ा है, कितने बंदे दौड़ा है? 300 300 100% सही। यूट्यूब पे आएगा, चलेगा ना भैया? मैं देखता हूँ आपकी यूट्यूब पे। तुम भी मुझको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। बंदे 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और प्लस कोरोना में भी भर्ती नहीं आया था। हाइट भी बढ़ा दी है, खेती बाड़ी करेंगे। चलो भाई चालू करते हैं, थोड़ा पानी का बोतल वोटल रख ले। लो भाई पानी का बोतल रखो, बड़ा तो चला लोगे ना भाई? भाई कोई दिक्कत नहीं आता, डाउट फुल हो रहा था इसके लिए। पानी लेकर आज भी निकल चुके और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे ना, आज भी गुजरात यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जा रहे हैं कि आपका बहुत सारा कॉमेंट आया। प्रिंस भाई लगते कि अभी नवे राइडर। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूं गुजरात यूनिवर्सिटी में, जो कि अभी आर्मी की भर्ती चल रही है और ये मेरा तीसरा बार है वीडियो का, ठीक है। मेरे को इसके लिए आने पड़ा, आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था डॉक्यूमेंट से और परफेक्ट टाइम बताओ भाई, ऐसा कमेंट आ रहा था। तो भाई इस बार मैं तीसरी बार आया हूँ तो डॉक्यूमेंट का भी लेऊंगा वीडियो और हाइट का तो आपको बता दिया और टाइमिंग कितना दे रहा, ठीक है, इसका प्रॉपर आपको मैं बताऊंगा। और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, स्किप करके मत देखना। इसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ नहीं पता। गाइस अभी रात के 11 से भी ज़्यादा हो चुका है और हम लोग गाइस आ रहे सिर्फ आप लोगों की वजह से, बिकॉज आप लोगों का इतना कमेंट आ रहा था। ये देखो रोहित भाई का चैनल, इनके चैनल पर इतना कमेंट आ रहा था कि भाई डॉक्यूमेंट में क्या लोचा है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेरी है इस वीडियो में सोल्व हो जाएगी। इस वीडियो में तीसरा वीडियो बनाना पड़ रहा कि आप सभी का इतना सारा कमेंट आ रहा था ना कि भाई डॉक्यूमेंट के रिलेटिव बताओ वीडियो में, भाई रनिंग से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट लगे, रनिंग करने के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट लगे, इसके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। सागर जी दूर से आ रहे हो? हाँ। भाई रुकने को नहीं, प्लान है कहाँ रुके हो? कोई सेटिंग नहीं है भाई रुकने का, कोई सेटिंग नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, मेरे को पता है भाई। जो बंदे बाहर जा रहे क्या करेंगे भाई? बाहर आ रहे तो जाके डायरेक्ट अंदर ले ले रहे, कोई दिक्कत सीधा कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने टाइम पे आओ अंदर ले ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ अपने टाइम पे आओ, 9:30 या 8 बजे यहाँ पे पहुँच जाओ गुजरात यूनिवर्सिटी और 10 बजे या 10:30 बजे के आसपास वो अपना अंदर लेना चालू कर दे रहे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई रहने होने का, रहने का तो भाई देखो 100% बोला, रहने का कोई सेटिंग नहीं है। जो ग्राउंड है जहाँ पे सब कुछ हो रही है रनिंग वगैरह, वही ग्राउंड है। जो लाइट बढ़ रहा है ना गाइस, तो पूरा ग्राउंड है। क्या बोल रहा हूँ जैसे रनिंग कितने बजे लेना चालू करेंगे अंदर? 12 बजे रनिंग स्टार्ट होगा। हाँ। और एंट्री कब होगा? एंट्री 9:30 शुरू हो गया ना। हाँ। देखो कोई रहने का बंदोबस्त नहीं है, ठीक है, सारे बंदे ऐसे ही लेटे पड़े, कोई रहने के यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है। ब्लॉग बना रहे आगे में डॉक्यूमेंट के लिए पूछ लिया, ठीक है, तो भाई ने बताया अच्छे से और मेरे को एक व्हाट्सएप पे फोटो भी सेंड किया क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना। तो गाइस तो देखते हैं आगे, चाय मिलता तो चाय पी लेते हैं भैया। चाय तो देखो यहाँ पे ऐसे स्पेशल चाय मिलती है, दो। तो ये चाय आ चुकी है हमारी स्पेशल चाय। तो गाइस हमने स्पेशल बोलकर चाय मंगाया था लेकिन चाय में कुछ दम ही नहीं है। अबे चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। भाई यहाँ देख सकते हो जितने बंदे यहाँ पे आ रहे थे, रनिंग फेल हुई है, मतलब सब फेल होके आ रहे हैं वहाँ से। तुम्हारे बीच में हमें क्या लगे अंदर गया था, दौड़ के लगे चालू कर दो, दौड़ के लगे चालू कर दो हमारे, ये तो टाइमिंग कोई नहीं हमारे। मैंने कितने बजे चालू किया था कोई हमको कहाँ से पता है अंकल? फोन उन तो सभी स्विच ऑफ, कोई टाइमिंग नहीं भाई। 5:40 का हेलो डेल है ना, 5:40 खेती बाड़ी करेंगे हमारे तो खेती। तो गाइस आप जो बोल रहे थे बार बार कि भाई 5:45 दे रहा, 5:45 दे रहा, भाई यहाँ पे आके एक बार देखो, ठीक है, लाइव देखो, मैं तो यहाँ पे लाइव आके देखा। भर्ती पूरी हो गई, पूरी हो गई, एक मिनट शूट कर।
अरे भैया तुमने रनिंग हो गया तुम्हारा? हाइट में फेल किया। हाइट कितना मांग रहा है? 168 मांग रहा है। देख लो भाई 168 मांग रहा है। कितना? 172 170। ठीक है वीडियो आपका यूट्यूब पे आएगा, चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 172 है। ये भाई का 172 आईडी दिखाओ भाई को, अच्छे से दिखाओ थोड़ा दूर से। तो भी ये भाई को फेल किया है, ठीक है? 172 है ना भाई? और आपका कितना है? इतना ही है। फ्री फेल किया तो भी भाई को फेल किया। देख लो ये आपका वीडियो यूट्यूब पे आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरा चैनल है मिस्टर रनर और मैं रनिंग से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। तो मैं ये तो गाइस देखो भाई मेहसाणा से वडनगर के पास भाई मेरे को ये बताओ टाइमिंग कितना दे रहा है? 5:30 से कम दे रहा है। 5:30 से कम दे रहा है। एडमिट कार्ड में कितना लिखा है? 5:30 दे रहा है ना एडमिट कार्ड में? 5:45 लिखा है और भाई को कितना दिया? 5:30। मेरे ख्याल से 5:30 भी नहीं दे रहा भाई, बंदे कम पकड़ रहा। हाइट भी कम बढ़ा दिए। हाइट भी बढ़ा दिए। हाइट भाई आपकी हाइट कितनी है? 174। आप तो हाइट में पास ही। बात गलत लगा ना, जो कि यार 5:45 टाइमिंग दे के जो कि 5 मिनट भी बंदे को नहीं दे रहे ढंग से, वो अपने हिसाब से ले रहे। जैसे 5 बंदे 10 बंदे घुस गए जो आगे के, वो अपने हिसाब से बंदे ले रहे। 100 मीटर से रहे कायदे से भाई यार 5:45 देना चाहिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। बंदे 3 साल से मेहनत कर रहे और प्लस कोरोना में भी भर्ती नहीं आया था भाई। यूट्यूब पे आएगा, चलेगा ना भैया? मैं देखता हूँ आपके मिस्टर रनर। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो यूट्यूब ब्रो? भैया आपका टाइम कितना दे रहा? टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। और एडमिट कार्ड में कितना लिखा है? एडमिट कार्ड में 5:45 लिखा। और मैंने भी अपने बंदे को सिखाया कि भाई कोई टाइमिंग नहीं दे रहा, 5:45 बस एडमिट कार्ड में लिख के रखा है, ठीक है? 5:45 कोई टाइमिंग नहीं है और अपने हिसाब से बंदे ले रहे हैं, ठीक है? आज कितने बंदे दौड़ाए? 300% सही, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाया था ना उसमें 350 बंदे दौड़ाए थे, तो ही मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। आप बोलते हो भाई कॉमेंट करके कि भाई आप फेक बता रहे हो, ये बता रहे हो भाई, पहले खुद का ये कर लो भाई, पहले यहाँ पे आके लाइव देखो। जैसे कि भाई टाइमिंग के भरोसे रहोगे तो फिर भैया की तरह फेल होके आओगे, ठीक है? 15 बंदे लिए सिर्फ भाई, बताओ कितने बंदे लिए? 15 बंदे लिए। और आपको पहली बेस्ती की दूसरी बेस्ती? तीसरी बेस्ती। देखो भाई और पहली बेस का कुछ जानकारी है आपको? पहली बेस का कुछ जानकारी नहीं है ना, नहीं है। ठीक है देख लो भाई, आपको लाइव नहीं दे रहा है, जो अंदर लिखा है ना वो नहीं। हाँ देखा है मैंने। भाई देखो ये भी मेरे सब्सक्राइबर ही है। कोरोना में 3 साल मेहनत की है, ठीक है? और 3 साल तक भर्ती नहीं आई। कितने? 3 साल के आसपास हो गया ना भाई, 3 साल तक भर्ती नहीं आई है भाई, ठीक है? तो भाई दिमाग खराब हो, कितने बंदे से पूछ रहा हूँ भाई। एक बंदे तो वहाँ पे रो रहा था, मैंने भाई क्या हुआ? बोले भाई यार रनिंग में फेल हो गया और मैं अपने एकेडमी में मैं फर्स्ट आता था। बोला भाई टाइमिंग कितना है? तो भाई ने बोला मेरा 4:30। मैंने बोला यार ऐसा कैसा यार, आपके जब 4:30 है तो भी यार आप यहाँ पे कैसे फेल हो गए? तो भाई यार बोला कि क्या करोगे यार, यहाँ पे कोई टाइमिंग वमिंग कुछ नहीं दे रहा है, जो स्टार्टिंग में जो बंदे आ रहे 5, 6, 4, 10 वो अपने हिसाब से ले रहा है, ठीक है? और मैं ये वीडियो क्यों बार बार बोला अपने हिसाब से भाई, मैं जो देख रहा हूँ वही बता रहा। तो राम राम सभी को, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हो मिस्टर रनर और मैं आज बात कर रहा हूँ भर्ती के बारे में, ठीक है? और ये मेरा तीसरा वीडियो, ठीक है? और मेरे को तीसरा वीडियो क्यों बनाना पड़ा, आपका इतना सारा कमेंट आया कि भैया मुझको डॉक्यूमेंट का बताओ और अभी भी हाइट कितना मांग रहा है और टाइमिंग क्या दे रहा है, ठीक है? मैं इसके बारे में अभी नया अपडेट लेके आया हूँ और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, स्किप करके मत देखना। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, इसके लिए बोलता हूँ कि आप स्किप करके देखोगे तो आपको पूरा कुछ जानकारी नहीं रहेगा। तो भाई वीडियो पे बने रहो और लास्ट में मैं डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, आगे स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है? तो वीडियो पे बने रहो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करूंगा, आप ये साइड में फोटो देखो, ठीक है? ये 1 तारीख का रनिंग का है और बंदे का पैर देखो, ठीक है? कैसा छिला गया है, धक्कम धुक्की में गिर गया बंदा, खतरनाक उसको छिला है। तुम पहले अच्छे से फोटो देख लो, ठीक है? तो भाई थोड़ा आप रनिंग करो तो थोड़ा संभल के करो भाई, क्योंकि यार बहुत उसको आज का बंदे का मैंने देखा रियल देखा, उसका भी दोनों साइड का घुटना छिला गया, खतरनाक गिर गया भाई। तो थोड़ा धक्कम धुक्की मत करो। और आज तो हाइट बहुत बढ़ा दिया था, ठीक है? जो बंदे का 170 हाइट था वो भी बंदा फेल मेरे को बाहर में। बात करूंगा टाइमिंग का, भाई टाइमिंग अभी भी भाई 5:45 नहीं दे रहा। क्यों बार बार कॉमेंट करो भाई, आप बोल रहे प्रॉपर टाइमिंग बताओ पूछ के। भाई पूछ के मैं बता रहा हूँ, टाइमिंग 5:45 नहीं दे रहा है। एडमिट कार्ड में भले लिखा 5:45 पर 5:45 टाइमिंग नहीं दे रहा भाई, अभी भी आपको बोल रहा हूँ भाई। आज तो बेच में कितना दौड़ा है? 350 आज,
आज भी 350, ठीक है, आज भी 350 बंदे लोग को दुड़ाया और उसमें से पकड़ रहा है 10-5। ट्रेन में मत रहो कि 5:45 टाइमिंग मिल रहा है और मिल रहा है, तो टाइमिंग वाइमिंग के पीछे मत बैठे रहना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। आप सोचोगे नहीं 5:45 वहाँ पे टाइमिंग दे रहा है, 5:45 टाइमिंग नहीं दे रहा है यार, मैं तीसरे वीडियो में भी बार बार बोल रहा हूँ। हाँ भाई, अगर अभी भी डाउटफुल हो, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा, अभी भी मुझको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और उसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। अभी भी अगर आपको कुछ प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है भाई। और अब बात करूंगा डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट का भाई मैं आगे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, आप अच्छे से देख लो, पढ़ लो, ठीक है, क्या क्या ले जाना, क्या क्या नहीं ले जाना, भूल मत करना, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सब ले जाना, फोटो कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, अनमेरिड सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है। आप इसके अंदर देख लो, अच्छे से पढ़ के वो सब लेके जाना। ऐसा मत सोचना कि भाई मैं तो रनिंग फेल हो जाऊंगा, मेरे को कुछ लेने जाने की जरूरत नहीं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। पूरा टू जेड लेके जाना, भले जो होता होता है, कहीं आप बाई चांस अगर आप पास हो जाते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर क्या घर लेने जाओगे कि क्या करने जाओगे, जेरोक्स वेरोक्स सब कंप्लीट लेके जाना, ठीक है। ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी जेरोक्स ऐसा कभी भूलना मत कि ये नहीं ले जाना, वो नहीं ले जाना, भाई मैं तो रनिंग का कोई भरोसा नहीं। भाई किस्मत कोई वो लिख के नहीं आता कि भाई कि तू रनिंग फेल हो जाएगा कि पास हो जाएगा, जो बंदा कभी ग्राउंड में नहीं दौड़ा रहता ना वो भी बंदा पास हो जाता है, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा सारे बंदे, जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हो, जो बंदे भर्ती देखने जा रहे हैं, जितने डॉक्यूमेंट है सब सारे लेके जाओ और अपना 100% वहाँ पे रनिंग में दे देना, आप पास हो जाओगे। मेरे तरफ से, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी तो नया सिस्टम कर दिया व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का सब्सक्राइब देख लो, आप इसको दिखा दे रहा हूँ, व्हाइट कलर का जो बटन दिख रहा है उसको चाहे कस के दबाओ चाहे धीमे से दबाओ, पर वो दब जाना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि अभी व्हाइट कलर का दे दिया, पहले तो लाल था, ठीक है, अभी नया सिस्टम दे दिया। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।